केस के 3 कैदी ही क्रांतिवादी दल का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। उनका भविष्य ही उस दल के सामने एकमात्र प्रश्न नहीं है। सच पूछा जाए तो उनकी सजा घटाने की अपेक्षा उनके फांसी पर चढ़ जाने से ही अधिक लाभ होने की आशा है। यह सब होते हुए भी आप उन्हें अपना आंदोलन बंद करने की सलाह देते हैं, वे ऐसा क्यों करें? आपने कोई निश्चित वस्तु की ओर निर्देश नहीं किया है। ऐसी दशा में आपकी प्रार्थनाओं का यही मतलब होता है कि आप इस आंदोलन को कुचल देने में नौकरशाही की मदद कर रहे हैं, और आपकी विनती का अर्थ उनके दल को द्रोह, पलायन और विश्वासघात का उपदेश करना है। यदि ऐसी बात नहीं है तो आपके लिए उत्तम तो यह था कि आप कुछ अग्रगण्य क्रांतिकारियों के पास जाकर उनसे सारे मामले के बारे में बातचीत कर लेते। आप सचमुच क्रांतिकारियों की सहायता करना चाहते हैं तो उनका दृष्टिकोण समझ ले। अगर आप उनकी मदद न कर सके तो उन्हें अलग रहने दे, वे अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। वह दिन दूर नहीं है जब क्रांतिकारी के नेतृत्व में और उनके झंडे के नीचे जनसमुदाय उनके समाजवादी प्रजातंत्र के उच्च ध्येय की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आशा है आप कृपा करके उक्त प्रार्थना पर विचार करेंगे और अपने विचार सर्वसाधारण के सामने प्रकट करेंगे। आपका अनेकों में से एक।